और महाबहस की करेंगे शुरुआत। लेकिन सबसे पहले जो सवाल जिन पर टिकी है आज की पूरी डिबेट, जो चर्चा में होंगे, सवाल नंबर एक, आखिर अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन से सपा और कांग्रेस को एतराज क्यों है? बुलडोजर एक्शन तो तभी हो रहा है जब अवैध सरकारी जमीन पर वहां कोई कंस्ट्रक्शन की गई है, तो अगर वो काम लीगल तरीके से हो रहा है तो फिर एतराज किस बात का है? मोहित नवाब पर कार्रवाई क्यों नहीं भाई? समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस उसको सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों करार दे रही है? क्या इसलिए कि नाम मोहित खान और नवाब, जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, इस पर पूरी बहस हो रही है? और साथ ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों यूपी में सियासी लड़ाई? अब बुलडोजर एक्शन तो तभी होता है जब कोई अवैध निर्माण होता है, कागज नहीं होते, सरकारी जमीन को कब्जा किया जाता है, उस पर कुछ बना दिया जाता है। अब विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है तो फिर इस पर क्यों राजनीति की जा रही है? चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैरुद्दीन रंगरेज जी जुड़ गए हैं, AIMIM प्रवक्ता, सचिन रावत जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कन्नौज में भी हुई है, अयोध्या में भी हुई है, और उसके साथ साथ एक और जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर भी एक दीवार को गिराया गया है। बुलडोजर कार्रवाई यूपी में चलती रहती है लेकिन उसके साथ साथ सियासत भी जोर पकड़ती है। लेकिन हाल ही में अयोध्या और कन्नौज कांड के बाद मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज ब्रांड है सपा का, तो वहीं सपा का यह कहना है कि जहां बुलडोजर चलना होता है वहां उसकी चाबी खो जाती है, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर किसी की चाबी नहीं खोएगी। देखिए, सपने देखने के लिए अखिलेश यादव जी स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरीके का जंगल राज उनकी सरकार में था, जनता उसको बखूबी जानती है। दंगा राज से मुक्ति मिली, अपराधियों से मुक्ति मिली, बलात्कारियों से मुक्ति मिली, हम लोगों को जो है आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ने वाली लोगों से मुक्ति मिली, तो इसको जनता कभी आने नहीं देगी कि वो बुलडोजर की चाबी उनको हाथ में देगी। और बुलडोजर किसके खिलाफ चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, उनकी अवैध संपत्तियों पर चल रहा है, किसी वैध संपत्ति पे नहीं चल रहा है। हमारे इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मेजर साहब बैठे हैं, बड़े आदमी हैं, क्या इनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है क्या? अपराधी, और अपराधी जो है ब्रांड एम्बेसडर है अखिलेश यादव का, चाहे वो नवाब ब्रांड हो कन्नौज का, चाहे वो मोहित खान ब्रांड हो अयोध्या का, और हम किसी भी ब्रांड के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव से PDA की जो बात करते हैं, उसमें से P और D निकल चुका है, खाली A बचा है, ठीक है, और A को बचाने के लिए अखिलेश यादव किसी भी हद तक जा रहे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, लखनऊ की अस्मिता को तार तार करने वाले, बारिश के अंदर एक बेटी के साथ जो है छेड़छाड़ करने वाले, अगर वो उनकी बिरादरी के निकल आते हैं तो अखिलेश यादव उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा करते हैं कि देखिए ये यादव है इसलिए उसको परेशान किया गया है। अरे अखिलेश जी, उसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, एक मुकदमा तो आपकी सरकार में ही लगाया गया था और उसको आपने जेल भेजा था। मेजर आशीष चतुर्वेदी, बुलडोजर की चाबी खो जाने का तंज कस रहे हैं आप, और यहां पर देखिए बीजेपी वो मामले निकाल करके ला रही है जहां आपका भी सिलेक्शन सवालों के घेरे में है कि आप भी सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं क्या, और बुलडोजर कार्रवाई तो वहां होती है जहां अवैध निर्माण होता है। प्रूफ कर दीजिए कि ये गलत चलाए, बिना किसी नोटिस के चलाए। देखिए, वो बातें अलग हो गई। जब हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिव है तो क्यों कहते हैं वो भी बताना चाहूंगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई मत करिए, हम हमेशा कहते हैं आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा होता है, जैसे आप बनारस की घटना को ले लीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर बलात्कार किया, वहां बुलडोजर की बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, तब बुलडोजर कहां चला गया? अभी कन्नौज की बात हो रही है, कन्नौज में ही सुब्रत पाठक के ऊपर महिला मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब सुब्रत पाठक के खिलाफ तो किसी ने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ये सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई क्या? तो हम ये तो उनकी पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि ये सालों से मेरा जो है यौन शोषण कर रहे हैं, तो जब आप कार्रवाई सिलेक्टिव करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि आप सबके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, बहुत अच्छी बात आपने कही है मेजर आशीष चतुर्वेदी जी की, कार्रवाई सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो ठीक उसी तरह क्राइम के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो वहां भी अप्रोच सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, बात चाहे कन्नौज की हो या बात हो कोलकाता की। ठीक है, बताया ना, यहाँ भी सिलेक्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, आंदोलनरत हैं, और कोलकाता पर एक लफ्ज नहीं फूटा, बड़ी सफाई से सेफ लाइन लेकर आप लोग साइड हो गए, सभी विपक्षी पार्टियां खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, हमारा तो यही कहना है कि सबके खिलाफ कार्रवाई करी। अरे उसी के बाद आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी 6 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग के साथ चलती बस में गैंगरेप किया है, लेकिन
कार्रवाई कहाँ? अभी अब वहां तो कोई बुलडोजर नहीं है, वहां तो कोई इस तरीके की बात ही नहीं हो रही है। तो ये सिलेक्टिव, मैंने कोलकाता याद दिलाया तो आप उत्तराखंड चले गए जहां भाजपा की सरकार है, बस बस यही सिलेक्शन है। हाँ, कन्वीनियंट की राजनीति हो रही है। बोलिए आलोक जी। एक सवाल है बहुत बड़ा इनके ऊपर, आशीष चतुर्वेदी जी के ऊपर, कि देखिए अपराधी, ये इनकी बात सही है कि अपराधियों के ऊपर समान विचारता से कार्रवाई होनी चाहिए और आयोग की आदित्यनाथ की सरकार समान एक पलड़ू में रख के हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी का नेता अपराधी अपराध में शामिल होता है तो उसके लिए फिर डीएनए की जांच करवा ली जाए, उसका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, उस वो लड़की रात के 15 साल की बेटी मतलब जो आप है, ये कह रहे हैं कि आरोप लगा और सपा से अगर ताल्लुक है तो पार्टी उसके साथ में खड़ी हो जाती है जाकर। पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें उठती हैं कि वो अपने शख्स का बचाव करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे बीच में सचिन रावत जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। क्यों सचिन जी, बुलडोजर में क्या सिलेक्शन है? जहां वैध जमीन है चल रहा है बुलडोजर, अब नाम मोहित खान है तो फिर इस पर क्या सोच समझ के आप लोग रिएक्ट करेंगे? देखिए आस्था जी, पिछले 6 सालों से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर अवैध संपत्ति थी तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करते। ऐसे कई नेताओं ने अपने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, भाजपा नेता हो, सपा नेता हो, कई नेताओं ने। अगर उनके यहाँ अवैध अतिक्रमण था, अगर कोई केस आया तब आप बुलडोजर चला रहे हैं। उससे पहले आपकी जो वहां पर जो लेखपाल होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, जो आपकी कार्यप्रणाली होती है सरकार की, वो क्या कर रही होती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अवैध अगर वहां कब्जा हो रहा है, अगर जमीन कब्जाई जा रही है तो उसमें पहले दिन कार्रवाई होनी चाहिए। जब कोई अपराध इन्वॉल्व हो जाता है तब ये देखा जाता है कि उसकी अवैध संपत्ति कौन सी है, उसकी अवैध संपत्ति कहाँ है, तब हम बुलडोजर चलाएंगे। सवाल उठाया कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, ठीक है, वाजिब सवाल है। लेकिन यदि किसी पर आरोप है, उसके पास संपत्ति जो है वो कब्जे की पाई जाती है और कार्रवाई हुई है, तो भी इसमें गलत क्या है सचिन जी? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा कि कहीं कोई गलत नहीं है। बुलडोजर मोहित खान के यहां चले, बुलडोजर नवाब सिंह यादव के यहां चले, तो बुलडोजर कुलदीप सेंगर के यहां भी चलना चाहिए था, बुलडोजर चिन्मयानंद के यहां भी चलना चाहिए था, बुलडोजर हरदोई में जो अभी हाल ही में 1 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, जब वहां पर हम लोगों का डेलीगेशन किया, डेलीगेशन गया था, वहां पे गिरफ्तारी हुई, तो उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि बुलडोजर जो है एक तरफ से अगर चलता है तो ये गलत है। बुलडोजर जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसके घर के साथ साथ जो भाजपा नेता अगर कर रहे हैं तो उनके घर पे भी चलना चाहिए। बुलडोजर कब कहा बुलडोजर की चाबी खो जाती है? जब वो पेपर लीक जो करते हैं, जो अपराधी होते हैं उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आज लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, 69,000 के अभ्यर्थी। अभी आप देखिएगा कि कल पुलिस भर्ती होने जा रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है। अभी देखिएगा कि मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बार की भर्ती कम से कम करा दीजिए, इस बार पेपर ना लीक हो पाए। लेकिन वो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, तरीके फेल हो चुका है। आप इंतजार कर रहे हैं सरकारों में अवैध पेपर लीक हो जाए, कब्जे हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हो जाए पेपर लीक एक और बार। क्यों सचिन जी, एक और मौका राजनीति का? मैं तो कह रहा हूं कम से कम एक पेपर तो इनकी सरकार कराए, 12 पर्चे लीक करा दिए इनकी सरकार ने। एक पुलिस भर्ती का पेपर है वो एक करा दीजिए योगी जी, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपकी कल बैठ करके डिबेट में तारीफ करूंगा। आज आज सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामों का दावा है, तस्वीरें भी मिल रही है सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट और यहां तक कि लोगों पर भी नजर है। कल का दिन बहुत अहम है और देखना होगा एक बार भर्ती रद्द हो चुकी है, फिर से रद्द होगी या नहीं होगी या किस तरह ये परीक्षा कराई जाती है। लेकिन अभी राजनीति का इसमें कहीं से कोई स्कोप नहीं है सचिन जी, तो इस बात को अभी यहीं छोड़िए, विषय पर रहिए। मैरुद्दीन रंगरेज जी, अब बुलडोजर एक्शन पर राजनीति हो रही है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कन्नौज ब्रांड है इनका, अपराधियों के साथ बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई चाबी खो जाती है क्या, सब मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। देखिए मैं कहता हूं कि अगर कोई अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है, मगर जब अपराधी जहां जहां भाजपा की सरकार होती है, अगर कोई मुसलमान होता है और कोई हिंदू होता है तो उसमें ये फर्क डाल देते हैं कि जहां पर मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ जो है बुलडोजर सुबह ही पहुंच जाता है, और अपराधी अगर कोई हिंदू है
तो उसके घर जो है बुलडोजर नहीं नवाब पहुंचता, सिंह यादव, नवाब ये सिंह यादव दिखाना और उनके चाहते हैं। करीबी मैं के यहाँ भी बता रहा हूँ बुलडोजर चला है। अरे ठीक है, मैडम मैं कह रहा हूँ ये भाजपा की सरकार मुसलमानों से और दलितों से और आदिवासियों से नफरत करती है, उसमें हमारे हमारे भाई नवाब सिंह यादव, हालिया उदाहरण दे तो रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा पीछे जाके मुझे लिस्ट भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप एक अलग तरह का सिलेक्शन बीच में लेकर आ रहे हैं, आपके इधर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों ही नाम आपके सामने, मोहित खान भी और नवाब सिंह यादव भी है। अरे सुन तो लीजिए मैडम, आज जी मेरी बात तो सुनिए पूरी। मैं कह रहा हूँ आप तुष्टिकरण की जो भाजपा राजनीति करती है, आप ये बताइए अगर आप कोई अपराधी है उसको आप क्या कोर्ट ने सिद्ध कर दिया? सरकार कौन होती है और सरकार के किस संविधान में किस कानून में लिखा है? कैसी बात कर रहे हैं आप, विभाग को पता लगेगा कि उसकी जमीन जमीन पर अवैध कब्जा है तो वो तो कार्रवाई करेगा, नोटिस भी भेजेगा, कार्रवाई भी करेगा, दीवार भी हटवाएगा, तीन टप्पर सब गिरवाएगा। अगर किसी विभाग को पता चलेगा कि फला सरकारी जमीन पर किसी का अवैध कब्जा है तो विभाग के पास कार्रवाई का पूरा अधिकार है। अरे आस्था जी मेरी बात सुनिए, अगर कोई नहीं, आप इसे मुसलमानों दलितों आदिवासियों के बीच में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मेरुद्दीन रंगरेज ठीक है, चलिए एक सेकंड के लिए आप लोगों को रोक रही हूँ, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ब्रेकिंग मिल रही है इस खबर से संबंधित हमें, बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का ट्वीट आया है और उसमें लिखा गया है बुलडोजर से संविधान कुचला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कहा है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बुलडोजर से संविधान कुचला जा रहा है। आलोक जी, कांग्रेस एक बार फिर से इस बुलडोजर एक्शन को संविधान कुचलने जैसा बता रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कभी संविधान को जो है मानती नहीं है। संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के इस देश में पहले ही कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट तक की जहां की वो बात कर रहे हैं, हमने लखनऊ के अंदर कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अतिक्रमण करके हटाया। तो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर जो भी करेगा, चाहे वो तालाब की जमीन हो, चाहे वो नदी की जमीन हो, चाहे वो सरकारी जमीन हो, बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलेगा तो यह जो है मास्टर प्लान के हिसाब से चलता है, यह किसी व्यक्ति को देख के नहीं चलता है। या तो अपराध करने वाले बिल्कुल क्लीन चिट रहे तो कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अपराध क्यों करते हैं? अपराध करेंगे तो संपत्ति की जांच होगी और जांच में गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भाजपा सरकार है। सचिन जी देखिए, मैं आस्था जी इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, आलोक जी से, कि ये बताइए संविधान की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि संविधान को जितना बर्बाद किया गया है, जितना कमजोर किया गया है, दलितों पे अत्याचार किया गया है, पिछड़ों पे अत्याचार किया गया, आदिवासियों पे अत्याचार किया गया, हर वर्ग आपसे परेशान है। आप संविधान की बात करते हैं, आप लोग तो संविधान को बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, आप लोग 400 सीट जिताइए हम संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात जो माने, जिसको बालक बुद्धि हम लोग कहते हैं, एक अनुवाद जो नागपुर में रखा है उसको लागू कराने के आप लोग चुनाव लड़ रहे थे। आपके मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है, हमेशा संविधान को कमजोर करना, दलितों को उनका हक कैसे मारा जाए, ये सिर्फ मैनिपुलेटिंग की समर्थक सरकार है। अब ये नहीं चलेगा, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए आज इंडिया लाइए। कोई गड़बड़ मत ले जाइए, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर डिबेट को मत लगाइए। प्रभात त्रिपाठी जी को मैं चर्चा वाला लाऊंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, आरोपियों का हिसाब और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम जवाब लेंगे जब सरकार आएगी, किसी बुलडोजर की चाबी नहीं खोएगी। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा एक ये सवाल है कि ये लोग जिस तरीके से चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, समाजवादी पार्टी अपने परसेप्शन को बार बार ये सामने रखती है कि जब कोई अपराधी, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होनी चाहिए, अगर मोहित खान ने कोई कृत्य किया है, कुकर्म किया है, तो उसकी सजा उसको मिल रही है। बुलडोजर से इनको यह परेशानी है कि समाज में बुलडोजर से जो एक परसेप्शन अपराधियों पे खींचा जा रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बनाया है उससे हमारा वोट बैंक खिसक जाए। अरे भाई, आप राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी अलायंस ने, यहां तक कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं की, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है।
अगर बुलडोजर चलता है तो उनसे सवाल पूछ लीजिए तो वो उत्तराखंड चले जाएंगे, वो मध्य प्रदेश चले जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की बात करेंगे, लेकिन इसको भटकाने का काम करेंगे और ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि जो अगर एक्शन अपराधियों पे लिया जा रहा है तो वो एक जाति पे लिया जा रहा है। अरे भाई, एक जाति की राजनीति, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। कोई भी अगर गलत काम करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर भी इस्तेमाल होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब ये लोग भटका देते हैं कि वो तुम्हारा रेप, अपराधियों की ना जाति होती ना धर्म। देखिए आस्था जी, जिसने गलत काम किया है उस पर कार्रवाई नहीं, बिल्कुल। देखिए कांग्रेस की, देखिए समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि उनका जो माइनॉरिटी वोट है बार बार वो खड़े हो जाते हैं अपराधियों के साथ। अरे भाई, क्या दिखाना चाहते हैं आप? अपराधियों के साथ अगर खड़े होते हैं तो इससे आपका ही नुकसान है। अरे अपराधी आस्था जी, सचिन रावत जी, इमरान प्रतापगढ़ी तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है मेहरुद्दीन जी, एक सेकंड, पहले सचिन जी, आप सुप्रीम कोर्ट ना, अरे भाई आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, आप जाइए। अगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 2017 से चल रहा है, बोलिए सचिन जी। ठीक है प्रभात जी, ओके सचिन जी बोलिए। संवैधानिक तौर पे आपको जाने का अधिकार है। कोलकाता रेप के मामले में हाई कोर्ट ने मुझे लगता है कि प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने हाल ही में राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी के ट्वीट नहीं देखे, और हमारे जो वहां के कोलकाता के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन, अरे सुनिए तो, अधीर रंजन चौधरी जी, अरे भैया अपनी बात आ जाएगी, अधीर रंजन चौधरी जी ने सबसे पहले उन्होंने इस सरकार, सबसे पहले सरकार के खिलाफ हमला बोला था, सबसे पहले खिलाफ हमला बोला था अधीर रंजन चौधरी जी ने डेलीगेशन के साथ मुलाकात की पीड़ित परिवार से। आप यहाँ बैठ करके मैनिपुलेटिंग मत करिए, सरकार की वाहवाही मत करिए। हाथरस में अगर घटना होगी तो वहां पर भी हम लोग आएंगे। जिस घटना को अयोध्या भी नहीं गए आप लोग, आस्था जी सुनिए तो उस पर पूरी बात आ जाएगी ना। हाथरस में पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लगी थी, इसलिए प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आए थे। आज अगर नवाब सिंह यादव ने कोई प्रकरण किया है कोलकाता में, क्या हो रहा है, कार्रवाई की है, हम इतने पर्दे डाले गए हैं, इतने में हैंडलिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी है। कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, किसी ने देश को डुबोया है और राहुल गांधी को भी डुबोया है। आप हाथरस के कांड होने पे भाजपा शासित स्टेट के अंदर कोई कांड हो जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं, सबसे हल्ला मचाते हैं। लेकिन जहां इनके कई राज्यों में अपराध होता है बुलडोजर न्याय, इस देश का न्याय नहीं हो सकता जब तक हमारी अदालतें किसी चीज को ना कहें। बात करना बिल्कुल गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी। 17 करोड़ जिस भाजपा के नेता ने बैंक से निकाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, चुप्पी साध ली। 132 लोग मर गए उनपे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं जिसने किया। खान को पार्टी से क्यों नहीं निकाला आपने अभी तक? मोहित खान से क्या आपको जो है आपको प्यार है? आशीष जी, मुद्दे को उधर से उधर मत ले जाइए। अपराधी को अपराध की जात को धर्म क्यों देखते हैं आप? नहीं, 132 लोग मर गए उनके क्या, और किसने बुलडोजर चलाया आपने? बोलिए मेहरुद्दीन जी। मैं कह रहा हूं आस्था जी, अगर सिमियानंद के ऊपर जो केस है वो तो वापस ले रही है जो है भारतीय जनता पार्टी, और योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले उनपे कितने आपराधिक मामले थे, ये जग जाहिर बात है। आपको शर्मानी चाहिए मेहरुद्दीन जी, आरोपियों को बचाने के लिए आप किस हद तक राजनीतिक पर्दे खोल के सामान निकाल के ला सकते हैं? उसको उदाहरण आ गया हुआ है, मच्छियों के साथ दुराचार हुआ है, ये गंभीर विषय है जिसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप उस पर चुप लगाना चाहते हैं और सिर्फ उस पर बात ना हो तो आप राजनीतिक तह खोज के उसमें से निकाल कर लाते हैं और विषय को इधर से उधर ले जाके बस समय खत्म कर देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ आस्था जी, बार बार इन मुद्दों को हवा देना, बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, आप मुसलमानों पर आ गए,
फिर आप मुसलमानों पर आ गए, आपकी समस्या क्या है, आपको किस चीज का फोबिया है? मैरुद्दीन जी, पुलिस ने अरेस्ट किया है लोगों को, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नाम लिया है लड़कियों ने इन सबका, और इस तरह की बातें और दलीलें मत दीजिए, आप ये मरवा देंगे और एनकाउंटर कर देंगे। लोकतंत्र है यहाँ पर, मुकदमा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बेरोजगारी है, और सबसे ज्यादा अपराध के मामले और महिला अपराध। आलोक अवस्थी जी, उस पर देखिए आपको याद होगा जिस बात की अहमद मारा गया था, आप जब कारण सारे जब भरे तो सारा काम छोड़ करके EIIM के मुखिया जाकर के रोजा इफ्तार करने पहुंच गए। मतलब अगर कोई माफिया मारा जाता है या मरता है, अपनी मौत मरता है, ये शोक मनाने पहुंच जाते हैं, ये उस अपराधी जो अपराध के साथ अपराध होता है वहां नहीं खड़े होते। मुसलमान अपराध नहीं होगा तो उसके आपकी आवाज होने जा रही है। आपने जो कुछ भी बोला है वो सब लोगों ने सुना है, मैं किसी का ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ। आप भी दूसरे पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं, दूसरा भी आपके पीछे। आप ये बताइए, अगर अपराधी एच और एम में फर्क नहीं कर सकते, अगर कोई एच का है तो उसके खिलाफ आप बुलडोजर चला देंगे? बताइए, और कोई एम का है तो आपके खिलाफ बुलडोजर चला देंगे? ये कौन से हिसाब कर रहे हैं आप? उनका नैरेटिव बिल्कुल गलत फैल चुका, जब इसकी वजह से उनकी हार हुई। ये दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या नैतिकता के आधार पर आप अपनी पार्टी में यदि किसी पर कार्रवाई करें। इधर उधर की बात जब सरकार जो है न्याय बुलडोजर से देगी तो फिर अदालत। ठीक है मैरुद्दीन जी, बात आ गई आपकी, प्रभात जी को बोलने दीजिए, लास्ट 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास। लगातार एक कम्युनिटी को लेके राजनीति करते हैं, अगर आपने सिलेक्टिव राजनीति नहीं की होती तो अपराधियों की भी आप सिलेक्टिव बात करते हैं। अरे भाई, जो रेपिस्ट है, जो वो किसी भी उससे हो सकता है, अगर बुलडोजर चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, अगर न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया, बुलडोजर कार्रवाई रुक जाएगी। आप संविधान को मानते नहीं है, आप पैरवी करते हैं कम्युनिटी की, क्योंकि आपका वोट बैंक है, और इससे संदेश बेहद खराब जाता है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है उसमें अगर इस तरह की सेलेक्टिव बयानबाजी और राजनीति देखने को मिलती है तो उससे संदेश बहुत खराब जाता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा को यही खत्म करना है। तो कई सवाल है, आखिर अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन से एसपी कांग्रेस को एतराज क्यों है, और मोहित नवाब सिंह यादव में एसपी को अगर टारगेटेड एक्शन क्यों दिखाई देता है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट में है मामला, अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सियासी लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर इंसाफ उन लड़कियों और उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ इस तरीके का दुराचार होता है। राजनीति में कहीं आरोपी बच ना जाए, या सजा जितनी होनी चाहिए उससे कम ना हो जाए, बस डर इसी बात का लगता है। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।